हमारे इस प्रोग्राम के दौरान जो फिरोज नाम के लड़के को पुलिस प्रशासन ने उठाया है, मैं मानता हूं हो सकता है वो हिस्ट्री सीटर हो सकता है उसके पास पेंडिंग कोई मुकदमा ऐसा हो कि जिसमें पुलिस ने उसको उठाया हो, लेकिन फिरोज भाई आज से 3-4 महीना पहले से ही इसी अलवर में रह रहे थे और वो अभी जमानत करा के आए थे। लेकिन इस प्रोग्राम के ही दौरान, प्रोग्राम से जस्ट एक दिन पहले 10 थानों की पुलिस आती है और फिरोज भाई के घर पर हमला बोल देती है। अगर फिरोज भाई के अंदर कोई कमी है और मुकदमा उनके अंदर उसके पास है लगे हुए, तो मैं मानता हूं वो एक समाज का काम उठाने का बीड़ा चाह रहा था, वो सामाजिक काम कर रहा था, वो सर्वे समाज को जोड़ करके एक प्रेम और भाईचारे का मैसेज देना चाहता था। अगर वो बुरा ही सही, लेकिन आज वो काम जो करने आया था, वो जिस काम को उठा रहा था, वो तो एक सामाजिक काम था। अगर सुबह का खोया शाम को मिल जाए तो उसको खोया नहीं माना जाता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों के पास, आप लोगों के पीछे हजारों प्रॉब्लमें आएंगी, हजारों परिस्थितियां आएंगी, हजारों संकटों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब से पहले बहुत सारे मेवात में काम हुए थे, बहुत सारे नौजवानों को मारा जाता है, बहुत सारे नौजवानों को मौत की घाट उतारा गया है, लेकिन कौन को डरा डरा कर दिल में घुसाने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारे राजस्थान में जो मिशन चल रहा है वो कानून से हटकर चल रहा है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी। पुलिस प्रशासन जिस मुकदमे में कोई वंचित है, और जो मुकदमा जिनके पास है, उस मुकदमे में कार्रवाई ना करके उसके माल और जान का उससे खमियाना भरती है, जो कि पुलिस का वो अधिकार नहीं है। पुलिस का अधिकार है जो मुकदमा हो लीगल उसमें गिरफ्तारी डालो, जबकि शारीरिक नुकसान, पैर तोड़ देना, घर पर हमला कर देना, घर को क्षतिग्रस्त कर देना, ये सब चीजें बिल्कुल गैरकानूनी है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, हम उसको आज ही कायम रखना चाहते हैं और वो कायम रहेगा। वो चंद लोगों से हमारे कानून जो संविधान है उसको ये लोग तोड़ नहीं सकते, और हिटलर शाही ये देश का नौजवान अब बिल्कुल चलने नहीं देगा। किसी ने कहा था कि वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं 36 बिरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए हम हर संभव प्रयास जो होगा, हर संभव कदम जो होगा वो उठाने का प्रयास करेंगे, और ये दलाल जितना हमें रोकने का प्रयास करेंगे उतना ही हम इनकी बॉर्डर को तोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। हमारे कैब भाई अपनी बात रखेंगे और इनकी बात को आपको गौर और फिक्र से सुनना। चालू कर देना माइक, यहाँ होगा।